जी हाँ, बिग बॉस 14 का गेम काफी रोमांचक मोड पर आ चुका है। बीते एपिसोड में सीनियर्स की अलग अलग तीन टीम बनाई गई थी, जिसमें फ्रेशर्स अपनी मर्जी के मुताबिक शामिल हुए थे। शो में कंफर्म कंटेस्टेंट बनने का ये एक अहम पड़ाव है। आने वाले दिनों में इसका खुलासा होगा कि कौन कंटेस्टेंट कंफर्म होंगे और किसका गेम ओवर होगा। ये गेम ओवर टास्क था। यहाँ पर बिग बॉस तीनों टीमों को एक अहम टास्क देते नजर आएंगे, जिसके रिजल्ट में ये मालूम पड़ेगा कि कौन सी दो टीम के सदस्य विजेता बनकर कंफर्म होंगे। हारने वाली टीम के कंटेस्टेंट शो से बाहर का रास्ता नापेंगे। और अब इसी बीच खबरें सामने आ रही हैं, बड़ी अपडेट सामने आई है सोर्सेस की माने तो कंफर्म के लिए हुए इस टास्क में कौन सी टीम हारी है और कौन से कंटेस्टेंट कंफर्म होने से चुके हैं, इसका खुलासा हो चुका है। सोर्सेस की माने तो इस टास्क में सिद्धार्थ शुक्ला की टीम हार चुकी है। इसी के साथ ही सिद्धार्थ की टीम में शामिल एजाज खान, पवित्रा पुनिया को घर से एलिमिनेट होना पड़ा है। निक्की तंबोली बेघर नहीं हुई थी, क्योंकि वो पहले से ही कंफर्म कंटेस्टेंट थी। एजाज पवित्रा के साथ शहजाद देओल भी घर से बाहर हो गए हैं। अब ये खबर जानकर यकीनन बीवी लवर्स को काफी झटका लग सकता है, क्योंकि एजाज और पवित्रा शो के काफी मजबूत कंटेस्टेंट्स में शुमार थे। वैसे एजाज और पवित्रा शहजाद के बिग बॉस के सीक्रेट रूम में होने की भी खबरें हैं। फिलहाल इसे लेकर कोई कंफर्मेशन नहीं है, यानी कि ये टास्क खत्म होने के बाद बिग बॉस 14 को उनके कंफर्म कंटेस्टेंट मिल चुके हैं। वहीं हिना खान, गौहर खान और सिद्धार्थ शुक्ला शो से निकलकर अपने घर वापस लौट गए हैं, ऐसा सोर्सेस बताते हैं। फिलहाल ये सब कितना सच है कि यकीनन शो में देखने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही।